जैसा कहा वैसा हुआ। जया बच्चन की वो 5 बातें जो सच साबित हुई, अजय देवगन की तो चल पड़ी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन से जुड़ी आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जया ने 5 ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आगे चलकर सही साबित हुई है। तो चलिए आपको जया की 5 भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी है, जिनमें से कुछ तो आज भी लोगों की पहली पसंद है। आज हम आपको जया से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जान आप होके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जया ने 5 ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आगे चलकर सच साबित हुई है। दरअसल फिल्म बावर्ची में जया के साथ राजेश खन्ना थे, जिन्हें अमिताभ का सेट पर आकर जया से बार बार मिलना पसंद नहीं आता था। और एक बार उन्होंने जया से कहा था कि वह अमिताभ से ना मिले क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कोई भविष्य नहीं है। उस वक्त जया ने राजेश की इसी बात पर कहा था कि वह एक दिन इंडस्ट्री पर राज करेगा और आगे चलकर यह बात सच साबित हुई। आज अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक के रूप में जाना जाता है और वह आज भी बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं। लोग आज भी उनकी नई नई फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जब जया और डैनी एक साथ FTI में एक्टिंग की पढ़ाई किया करते थे तब दोनों बैचमैन थे। उस वक्त डैनी का पूरा नाम शेरिंग फिनसा डेंजोपा हुआ करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान एक बार जया ने शेरिंग फिल्मों से डेंजोपा को अपना नाम छोटा रखने की सलाह दी थी। डैनी ने जया की बात मान अपना नाम डैनी रख लिया था और फिर FTI से पास आउट होते ही उन्हें काम मिलने लगे थे। वो बॉलीवुड के एक मशहूर विलेन बनकर उभरे थे और एक झटके में डैनी की किस्मत चमक उठी थी। कहा जाता है कि जब अजय देवगन एक एक्शन हीरो के रूप में फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे थे तो उनके डेब्यू को लेकर इंडस्ट्री में माहौल पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अकेली जया बच्चन ने कहा था कि वह सुपरस्टार बनेगी और वह भी यही। अजय अपनी पहली ही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे और देखते ही देखते वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बनकर उभरे थे। एक बार जया 2011 में केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि रीजनेबल सिनेमा इंडिया फिल्म इंडस्ट्री की ताकत है। उन्होंने कहा था कि हमें बॉलीवुड की जगह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहना चाहिए। आज वही हो रहा है। आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों को बोलबाला है। फिल्म बाहुबली से लेकर KGF, पुष्पा, RRR जैसी कई ऐसी साउथ फिल्में हैं जिन्हें दुनिया भर में भरपूर प्यार मिला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमिताभ की प्रोडक्शन कंपनी ABCL से पहले जया ने सरस्वती ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने साल 1993 में एक टीवी शो देखा भाई देख बनाया था। पहले तो इस शो को लंदन के टीवी एशियन चैनल के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि वह इस शो को कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब दूरदर्शन को अपने एक नए शो की तलाश थी तब उन्होंने जया से कॉन्टैक्ट किया और फिर यह सीरियल जब दूरदर्शन पर आई तो छोटे पर्दे पर छा गई और आज भी यह सीरियल लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। उन्हें टीवी शोज को लेकर भी जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई है।